हाय एवरीवन, होप यू डूइंग वेल। अरे बाप रे, इतना डिमांड एक स्ट्रेटजी के ऊपर। एक्चुअली मैं सब्सक्राइबर स्ट्रेटजी सीरीज पे काम कर रहा था, बट जैसे ही ये वीडियो आया और आप लोगों ने इतना रिक्वेस्ट डाला कि मेरे को वो काम छोड़ के ये वीडियो पे काम करना चालू करना पड़ा। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, लास्ट वीडियो हमने अस्मिता पटेल की ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी का वीडियो डाला था अपने चैनल पे। रिजल्ट कुछ ज्यादा ही अच्छे है। अगर आप में से किसी ने अब तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद इसे जरूर चेकआउट करना। चलिए, आज जो स्ट्रेटजी है बूमिंग बुल्स की तरफ से, उनके 1 मिलियन क्रॉस होने पर उनके सब्सक्राइबर के लिए उन्होंने दिया है। सबसे पहले कांग्रेट्स अनीस सिंह ठाकुर फॉर क्रॉसिंग 1 मिलियन। हमने तो जस्ट अभी चालू किया है, 1 मिलियन तो बहुत दूर का रास्ता है, बट आप सबका इसी तरह सपोर्ट रहा तो हम भी जरूर पहुंचेंगे। फिलहाल तो हमारा जल्दी ही 6K होने वाले हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो ना यार। सो टुडे वी आर गोइंग टू बैक टेस्ट अनदर फेमस स्ट्रेटजी कॉल्ड हाफ ट्रेंड प्लस DMI स्ट्रेटजी फ्रॉम अनीस सिंह ठाकुर, विच वॉज पोस्टेड ऑन बूमिंग बुल्स यूट्यूब चैनल। हाफ ट्रेंड एक पॉपुलर ट्रेंड इंडिकेटर है विच इज बेस्ड ऑन ATR। ये सुपर ट्रेंड से सिमिलर है बट डिफरेंट ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन लॉजिक यूज करता है, और DMI तो आपको पता ही है। उनके हिसाब से ये स्ट्रेटजी आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट में यूज कर सकते हो। आज हम ये स्ट्रेटजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में टेस्ट करेंगे, और अगर वीडियो का रिस्पांस अच्छा रहा तो मे बी फ्यूचर में स्टॉक्स में करेंगे। अनदर थिंग, आपको सबको पता है कि हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में स्ट्रेटजीज को फ्यूचर्स के लिए टेस्ट करते हैं। तो चलिए इंट्रो के बाद हम स्ट्रेटजी में चलते हैं, जहां हम हाफ ट्रेंड प्लस DMI स्ट्रेटजी बाय अनीस सिंह ठाकुर को 100 टाइम्स टेस्ट करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और पता लगाएंगे कि इसका असली विन रेट क्या है। सो हाय एवरीवन, दिस इज प्रणीत फ्रॉम ट्रेडर इनसाइट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम ट्रेडिंग व्यू ओपन करेंगे और टाइम फ्रेम को 5 मिनट्स कर देंगे। इसके बाद इंडिकेटर में हाफ ट्रेंड सर्च करेंगे, ये एवरग्रेड वाला ऐड कर देंगे। अभी सेटिंग्स में स्टाइल में जाना है और सब अनटिक करेंगे और सिर्फ हाफ ट्रेंड को ही टिक रखेंगे। अभी इसमें पहले वाला जो है उसको ग्रीन कर देंगे और इसका थिकनेस बढ़ा देंगे, और ये सेकंड वाला जो कलर है उसको रेड रेडी रखेंगे और इसका सिर्फ थिकनेस बढ़ा देंगे और ओके दबा देंगे। चलिए अब नेक्स्ट DMI भी ऐड करेंगे। सेटिंग्स में इसमें हम टाइम फ्रेम को 15 मिनट्स कर देंगे और फिर ADX स्मूथनिंग और DI लेंथ को 13 कर देंगे। फिर स्टाइल में जाके पॉजिटिव DI को ग्रीन करेंगे और नेगेटिव DI को रेड करेंगे, और ADX के लाइन को वाइट कर देंगे और इन सब का थिकनेस भी बढ़ा देंगे। अभी ADX इंडिकेटर में एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमें ऐड करना है। आप सीधा माउस का कर्सर लेके ऑल्ट एच दबा सकते हो। अभी इस लाइन पे डबल क्लिक करके कोऑर्डिनेट्स को चेंज करेंगे 23, और चाहे तो लाइन का कलर अपने हिसाब से चेंज कर देंगे। दैट्स द सेटअप। रूल्स देखने से पहले एक चीज डिस्कस करते हैं, जो हमने इनके लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया है और ये वाले में भी DMI यूज कर रहे हैं अपन टाइम फ्रेम को 15 मिनट्स करके, तो इसके लिए अपने को एड्रेस करना पड़ेगा। वीडियो में वो बोलते हैं कि आपको कंफर्मेशन के लिए आपको DMI को यूज करना है, बट जब ये लाइव मार्केट में आप यूज करोगे तो DMI आपके हर 15 मिनट्स में अपडेट होगा। तो लेट्स से कि अभी 9:40 चालू है तो आपको DMI का वैल्यू 9:30 का दिखेगा, तो हमको टेस्टिंग में भी जनरली लास्ट जो 15 मिनट वाला है उसको ही कंसिडर करना है। ओके, चलिए रूल्स फॉर बाय एंट्री देखते हैं। फर्स्ट, हाफ ट्रेंड शुड बी ग्रीन। सेकेंड, ये जो ADX का लाइन है, जो व्हाइट वाला लाइन, दैट शुड बी अबाउट 23। फिर पॉजिटिव DI, दैट इज ग्रीन लाइन, शुड बी हायर देन नेगेटिव DI, दैट इज रेड लाइन। अभी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे मैंने पहले ही बोला, लाइव मार्केट में ये ADX एवरी 15 मिनट्स में अपडेट होगा। सो लेट्स से कि अभी टाइम फ्रेम 9:50 है तो आपको 9:45 का ADX और DI का वैल्यू कंसिडर करना है। ओके, एंट्री एट क्लोज ऑफ द कैंडल। स्टॉप लॉस, टेक्निकली इसमें कोई स्टॉप लॉस नहीं है, प्रॉफिट लॉस सब हाफ ट्रेंड पे ही डिपेंडेंट है। सिंस हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के सिंगल लॉट टेस्ट कर रहे हैं, सो हम सिर्फ स्टॉप लॉस नाम के लिए डालेंगे, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। स्टॉक्स में मे बी हम टेस्ट करते हैं उसको प्रीवियस स्विंग लो या फिर प्रीवियस स्विंग हाई करेंगे, और कुछ नहीं। बट यहाँ पर हम दिखाने के लिए सिर्फ प्रीवियस स्विंग लो कर रहा हूँ, बट हमें इस पर एग्जिट नहीं करना है। टारगेट जैसे ही हाफ ट्रेंड ग्रीन से रेड हो जाएगा, अपने को अपना टारगेट बुक करना है, चाहे हमारा प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमें उधर ही टारगेट बुक करना है। जैसे ये एग्जाम्पल देखिए, यहाँ सब कंडीशन सेटिस्फाइड है, ADX 23 के ऊपर है,
पॉजिटिव डीआई नेगेटिव डीआई के ऊपर है और हाफ ट्रेंड भी ग्रीन है, तो ये जो एंट्री कैंडल है उसके क्लोज प्राइस पे हम बाई करेंगे और जब तक ये हाफ ट्रेंड रेड से ग्रीन नहीं होता तब तक हम होल्ड करेंगे। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ हमने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। चलिए अब रूल्स फॉर सेलर एंट्री भी देख लेते हैं। हाफ ट्रेंड शुड बी ग्रीन, ADX ये जो व्हाइट लाइन है वो 23 के अबाव होना चाहिए। लेट मी रिपीट, यहाँ पर भी 23 के अबाव ही होना चाहिए। ADX लाइन सिर्फ ट्रेंड का स्ट्रेंथ बताता है। इसके बाद नेगेटिव डी आई दैट इज रेड लाइन शुड बी हायर देन पॉजिटिव डी आई दैट इज ग्रीन लाइन। एंट्री एट क्लोज ऑफ द कैंडल, इसमें भी स्टॉप लॉस नहीं है, प्रॉफिट लॉस सबका रूल हाफ ट्रेंड पे ही है। तो यहाँ पर हम सिर्फ दिखाने के लिए प्रीवियस स्विंग हाई स्टॉप लॉस मानेंगे बट उसमें एग्जिट नहीं करेंगे। अब टारगेट जैसे ही हाफ ट्रेंड रेड से ग्रीन हो जाएगा तब हम बुक कर देंगे, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो उधर ही हमें बुक करना है उसके क्लोज प्राइस पे। जैसे ये एग्जांपल देखिए, यहाँ सब कंडीशन सेटिस्फाइड है, ADX 23 के ऊपर है, नेगेटिव DI पॉजिटिव DI के ऊपर है और हाफ ट्रेंड भी रेड है, तो क्लोज प्राइस पे हम सेल करेंगे और जब तक ये हाफ ट्रेंड रेड से ग्रीन नहीं होता तब तक हम होल्ड करेंगे। जैसे यहाँ हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। सो द स्ट्रैटेजी इज क्लियर आई थिंक। आप उनका वीडियो भी ज़रूर देखिए आपको स्ट्रैटेजी के बारे में और डिटेल में जानना है। तो इस स्टडी को चलिए हम 100 टाइम्स टेस्ट करते हैं और इसका असली विन रेट चेक करते हैं। आई लेट यू नो द फुल रिजल्ट आफ्टर द टेस्ट। तो चलिए रिजल्ट देखते हैं। सो द टेस्ट आर ओवर। जैसे आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ ट्रेंड 100 था, उसमें से 33 वाज विन एंड 67 वाज लॉस। सो विन रेट हुआ 33%, टोटल गेन इन अकाउंट हुआ 16.57% एंड मैक्स ड्रॉडाउन इज 30.61%। कंटीन्यूअस विन इन अ रो वाज 6 एंड कंटीन्यूअस लूज इन अ रो वाज 13। टोटल ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट वाज 2.071 months। वेल ऑन पेपर मानना चाहो तो स्ट्रेटजी टेक्निकली प्रॉफिटेबल है, 16.57% गेन इन 2.071 months, बट इससे प्रॉफिटेबल तो मैं नहीं बोलूंगा और ना ही आपको इसको मानना चाहिए। जैसे आप देख सकते हो ड्रॉडाउन इज वेरी हाई विच इज 30.61%। मेरे हिसाब से तो ये स्ट्रेटेजी से आपको दूर ही रहना चाहिए। और वन मोर थिंग, ये स्ट्रेटेजी का मेन प्रॉब्लम है ADX को, जो ADX में जो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम करते हैं ना हम, वो मार्केट और पोस्ट मार्केट में रिजल्ट में वेरिएशन आ जाता है। जैसे ये टेस्ला वाला देखिए, एक्चुअल मार्केट में मैंने ये सर्कल प्लॉट किया था जहाँ पर भी ADX का लाइन हो, बट आफ्टर मार्केट में देखिए आपको कुछ टाइम के बाद इंडिकेटर में वैल्यूज चेंज हुआ है। सो ये बैक टेस्टिंग में भी इसका रिजल्ट इतना एक्यूरेट नहीं रहेगा लाइव मार्केट के कंपैरिजन में, बट आई वुड स्टिल टेल टू अवॉइड दिस स्ट्रेटजी। वन मोर थिंग, दिस बैक टेस्टिंग इज फ्रॉम अ गाय जिसके चैनल पे टॉप 2 स्ट्रेटजीज बूमिंग बुल्स के ही है। सो आई पर्सनली हैव नो रीजन टू लाई और टेल बैड थिंग्स अबाउट दिस स्ट्रेटजी। एज ऑलवेज जैसा मैं बोलता हूँ, हर स्ट्रेटजी को पहले खुद टेस्ट करो और फिर डिसाइड करो कि स्ट्रेटजी कैसा है। आई विल ऐड द स्ट्रेटजी इन द गूगल शीट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, एंड दिस टेक्स द 5th पोजीशन इन द लिस्ट। यू कैन चेक द लिस्ट और रिव्यू और रीवॉच एनी स्पेसिफिक स्ट्रेटजी यू लाइक। सो गाइज, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड हिटिंग द बेल नोटिफिकेशन एंड डू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हो तो UPI ID आपके स्क्रीन पे होगा। और अगर आपको ये बैक टेस्टिंग शीट चाहिए तो मैंने इसे ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर किया है, आपको एक वीडियो सजेस्ट हो रहा होगा या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको वीडियो जरूर चेकआउट करना, आपको समझ जाएगा कहाँ से डाउनलोड करना है। प्लीज कमेंट में आपके फीडबैक दीजिए और कौन सी स्ट्रेटेजी आप चाहते हैं कि हम बैक टेस्ट करें अपने फ्यूचर वीडियोस में, ये भी जरूर बताना। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट देख सकते हो और दूसरी स्ट्रेटेजीज के वीडियोस भी देख सकते हो। ऑल द सोशल मीडिया लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज फॉलो अस एंड शो अवर सपोर्ट। मोर ऑसम कंटेंट्स आर ऑन द वे, सो सी यू नेक्स्ट टाइम।